गोरखपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का शुक्रवार को बैंक रोड स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। कोहरे के कारण फ्लाइट देर से आने के कारण पत्रकारों के बीच देर से पहुंचे संबित पात्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं व पत्रकारों से हाथ मिलाते हुए संबित पात्रा की एंट्री बॉलीवुड स्टार फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन की तरह हुई। संबित पात्रा ने एक अलग अंदाज में पत्रकारों के बीच में 3 घंटे देर से पहुंचने पर पत्रकारों के बीच अपने आप को इस तरह रूबरू किया कि सभी की नजरें देखती रह गईं और आते ही अपनी देरी के लिए क्षमा मांगी और मात्र 20 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। धन्यवाद की व्यक्ति है। शुरू करा जाए। उत्तर प्रदेश के पावन भूमि में हूँ। 325 सीट का ऐतिहासिक मैंडेट लेकर यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है। यहाँ भी 3-4 दिन पहले हमने देखा है इसी प्रकार के 2 गुटों का मिलन हुआ। उन्होंने उसे महागठबंधन कहा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यह भी 2 डीलरों का मुलाकात है। किस प्रकार से आज के अखबार को आप खोलेंगे तो आज के अखबार के हेडलाइन में क्या चल रहा है? आज के अखबार के हेडलाइन में है कि जो डीलर नंबर 1 अखिलेश यादव, जिस समय वो खनन मंत्री थे 2012 से 2013 के बीच, किस समय उस समय खनन को लेकर डीलिंग की गई और आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो पीएमएलए के माध्यम से एफआईआर दर्ज करा रहा है। शर्म की बात है, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से घोटाला किया गया, अलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, सीबीआई को जांच सौंपी गई और आज एफआईआर तक होने की नौबत आ गई है। अखबार यह बताते हैं कि अखिलेश यादव जी से पूछताछ भी हो सकती है। मैं अखबारों के माध्यम से बता रहा हूं, अखबारों ने बताया है ये। तो आप बताइए, ये अखिलेश यादव जी की डीलरशिप थी कि नहीं? उत्तर प्रदेश के खनिजों को बेचना, यह उनकी डीलरशिप चल रही थी। जब पकड़े गए, जब एफआईआर हो गए हैं उनके खिलाफ, तो वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, डीलर रो रहा है। दूसरी ओर एक ऐसी पार्टी है जो डीलिंग करती है, वो अपने पार्टी के अंदर ही डीलिंग करती है। देश को बेचने का तो काम करती ही है, अपने पार्टी के अंदर भी डीलिंग करती है, टिकटों की डीलिंग। एक भी टिकट अगर किसी को वितरित करना है तो बिना पैसे के वो टिकट वितरित होती ही नहीं है, उसकी डीलिंग होती है। ये 2 डीलरों के विषय में तो बताया, मगर डीलर्स ऑफ ऑल डीलर्स, सभी डीलरों के जो डीलर हैं, जिसका नाम मैं डी कंपनी रखता हूं, डी कंपनी का मतलब अन्यथा मत लीजिएगा, डी कंपनी मतलब दलाल कंपनी, सभी दलालों की जो बिल्कुल मातृ कंपनी है, द मदर सोर्स ऑफ ऑल मिडलमैन, दैट इज द कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी को इन दोनों डीलरों ने पीछे छोड़ दिया है। डीलरों के अंदर लड़ाई मची हुई है सत्ता के लिए, तो कांग्रेस को दरकिनार किया हुआ है। और ऐसे में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी एक कंफ्यूज्ड पार्टी के रूप में बिहेव कर रही है, नेपथ्य में खड़े होकर चीयर लीडर का काम कर रही है, वो समझ नहीं पा रही है कि समाजवादी पार्टी और बसपा तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खिलाफ बोल रहे हैं, बोफोर्स का भी जिक्र कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का भी जिक्र कर रहे हैं, और वहीं चीयर लीडर्स का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। खुद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होने के लिए वो अपनी आत्मदहन तक करने को तैयार है। यह परिस्थिति आज कांग्रेस पार्टी की है। बंधुओं, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आगे से हम लोगों को जब विपक्षियों के विषय में बात करते हैं तो विपक्षी दल पीएम की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी ना कहे, आगे से वो प्रधानमंत्री की चटाई कहे, क्योंकि कुर्सी में तो एक आदमी बैठ सकता है। जिस प्रकार की इन डीलरों की नियति दिखती है, ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की चटाई हो। इस चटाई में एक कोने में मुलायम सिंह जी, एक जगह अखिलेश जी, एक जगह मायावती जी, एक जगह चंद्रबाबू नायडू जी, एक जगह ममता बनर्जी, और चटाई के चारों तरफ गोल गोल राहुल गांधी घूमते नजर आए कि उन्हें भी कहीं स्थान मिल जाए तो वो बैठ जाए। इस प्रकार का मजाक बना के इन्होंने प्रधानमंत्री के पद का रखा हुआ है। सभी कोई यहां महत्वाकांक्षा की लड़ाई लड़ रहा है, कोई देश के हित की चिंता नहीं कर रहा है। मैं आज इस मंच पे से और गोरखपुर की पावन भूमि से
जहाँ से यहाँ के मुख्यमंत्री भी आते हैं आदरणीय योगी जी, मैं योगी जी को तो धन्यवाद दूंगा ही, और साथ में जिस प्रकार का एक बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया है सामान्य वर्ग के लिए 10% का आरक्षण लाके, इससे पूरे भारतवर्ष में एक हर्षोल्लास का माहौल है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा हुआ वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग, सबको लेकर चलने की ये जो कवायद मोदी जी ने की है, ये अपने आप में एक स्वर्णिम अक्षर में इतिहास में लिखा जाएगा। और आज मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में ये निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश अब इस 10% रिजर्वेशन का पालन आरंभ करेगा। गुजरात ने किया, उत्तर प्रदेश ने किया। हम चैलेंज करते हैं उन राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस द्वारा चलायमान सरकार है, वह भी इन जन कल्याण नीतियों को अमली जामा पहनाए, वह भी इन जन कल्याण नीतियों को जमीन पर उतारने का काम करे। धन्यवाद बंधु, और पुनः मैं आपका बहुत शुक्रिया करूंगा कि आपने सुबह से प्रतीक्षा की। एक बार धन्यवाद के बाद आप हो गया, धन्यवाद सर। जी।